जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में, देश में और पूरे विश्व में ये जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, इससे जो नुकसान हमारे प्रदेश को, पूरे देश को, पूरे विश्व को जो हुआ है, उससे आप सभी अवगत हैं। उसके बारे में ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से इस बीमारी ने पैर फैलाए हैं कई दुनिया के देश, तो ये समझने में ही सक्षम नहीं हो पाए कि ये बीमारी किस तरह से फैलती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसफर होती है, ह्यूमन से ह्यूमन में फैलती है और कितना भयानक रूप लेती है। और जो इसको फैलाता है, जो कोरोना का कैरियर है, उसको भी ये मालूम नहीं रहता शुरू के 8-10 दिनों तक कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। इस बीमारी के बारे में जो सबसे खतरनाक पहलू है, जो सबसे खतरनाक बात है, वो यही है कि खुद कोरोना कैरियर को ये मालूम नहीं रहता कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव है और ये बीमारी उनके थ्रू उनके घर के लोगों में, उनके परिवार के लोगों में और समाज के लोगों में ये फैल रही है। ऐसा समझ नहीं आता। जैसा कि हमने कनिका जो सिंगर हैं, बॉलीवुड सिंगर, उनके केस में देखा कि वो फॉरेन से आई, लखनऊ में आई, उनकी एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग भी हुई, स्क्रीनिंग में उनका नेगेटिव आया, फिर वो सब लोगों से मिली, फिर जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और उन्होंने टेस्ट कराया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अच्छी बात यह है कि वो ठीक होकर घर आ गई हैं, ये एक सुखद बात है। लेकिन इस बीच कोरोना से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कुछ लोगों ने पहले चरण में, शुरुआती दिनों में, इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। देखिए, तो सौभाग्य है इस देश का कि माननीय मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर आज हमारे पास हैं, जिन्होंने वक्त रहते इस बीमारी को भांप लिया और WHO की गाइडलाइंस अपने विवेक से और बहुत ही हार्श डिसीजन लेते हुए ये जो लॉकडाउन किया, ये एक बहुत बड़ा और साहसिक निर्णय है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो सारे देश के और विश्व के हित में है। अदरवाइज इस इतना बड़ा निर्णय लेना किसी भी देश के प्रमुख के लिए, किसी भी राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए बड़ा दुष्कर होता है। और हमने देखा है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज और वहाँ के राष्ट्र प्रमुख इस तरह का निर्णय ले नहीं पाए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वहाँ पे कितनी मौतें हुई, कोरोना से हो गई हैं, उससे हम सब अवगत हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना सिर्फ साहसिक निर्णय लिया और इसको जिस तरह से उन्होंने लिया, पहले उन्होंने एक दिन के लिए लॉकडाउन का आह्वान किया, उस दिन संडे था, और संडे के बाद फिर उन्होंने उसको देश को संबोधित करते हुए इसको जिस तरह से बढ़ाया और फिर लॉकडाउन 2.0 उन्होंने किया, ये बहुत सराहनीय और साहसिक कदम है। हम सारे देशवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा नेता आज मोदी जी जैसा देश को मिला हुआ है, जिनके एक बार अपील करने पर पूरी जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है, उनका कहना मानती है। वरना 130 करोड़ के देश में किसी एक आवाज़ पर एकजुट होकर और किसी भी एक आदेश को मानना, ये अपने आप में एक बहुत ही बिरला, मतलब जिसको कहेंगे ये उदाहरण है, बहुत कम ऐसा देखने में आता है। संभवतः मैं समझता हूँ कि गांधी जी के बाद मोदी जी पहले नेता हैं जिनकी आवाज़ पर देश जो है एक साथ खड़ा हो जाता है। ये पूर्व में गांधी जी के समय में देखा गया है। मित्रों, बहुत ही भयानक और भयावह दौर से गुजर रहा है देश, और इस बीमारी की भयावहता ये है कि इसका जो कैरियर है, जो इसको ट्रांसफर करता है, जो इसको ट्रांसफॉर्म करता है, ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा, छू लेने के द्वारा, पैर पड़ जाने के द्वारा, जूते में आपके लग जाए वहाँ से ये हो सकता है। अभी जैसा कि हमने देखा कि एक डिलीवरी बॉय से 78 लोग इससे प्रभावित हुए, एक आदमी अनजाने में इससे
सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है और फिर वो सैकड़ों लोग दूसरे सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। सोचिए किसकी भयावहता को एक बार सोच के देखिए, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंदर से। रोंगटे खड़े कर देने वाली हृदय विदारक घटनाएं हमारे सामने पूरे विश्व में और हमारे देश में घटित हुई हैं। हमारे जवान, हमारे पुलिस का फोर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, मेडिकल स्टाफ जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स बन के इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं वो सराहनीय है। इससे अति उत्तम समाज सेवा का कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। अपनी जान जोखिम में डालकर अपने देश की जनता को बचाना, इससे सराहनीय कोई कदम हो नहीं सकता। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मित्रों, जो लोग अपनी जान को खतरे में डालकर, अपने परिवार को छोड़कर आपकी जान बचाने के लिए बाहर आते हैं, हमने देखा है कि उनके साथ भी कई जगह बहुत बुरा बर्ताव हुआ। जाने अनजाने में जो लोग भी ये बर्ताव कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके ऐसा ना करें। ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि इस देश के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, इस बात को अगर वो लोग सोच लेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने क्या किया। जैसा कि देखने में आया है, चाहे वो इंदौर हो या मुरादाबाद की घटना हो, जिस तरह से इन लोगों पर हमला किया गया है, ये बेहद निंदनीय है। ऐसा कृत्य करने से पहले हमको 10 बार 100 बार सोचना चाहिए, अपनी अंतरात्मा में झांक के हमें देखना चाहिए कि हम किसके ऊपर ये हमला कर रहे हैं। आज भगवान का रूप बन के, एंजल्स बन के, देवता बन के ये आज हमारे सामने खड़े हैं और हमारी जान बचाने के लिए खड़े हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर आज ये अपनी जान बचाने के लिए खड़े हैं और हम इन लोगों पर इस तरह से हमला करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इस पर ज़रूर विचार करिए और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, काफ़ी कुछ बंद होनी चाहिए। और जिस तरह से ये जमातों ने, जमात से मेरा कहने का मतलब किसी एक वर्ग विशेष से नहीं है, हर तरह की जमातों से है। अभी देखने में आया कि कर्नाटक के एक विधायक ने, जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने 100 लोगों से अधिक लोगों को इकट्ठा कर अपनी बर्थडे की पार्टी करी। ये असंवेदनशील रवैया, यह संवेदनशील रवैया इस बीमारी को इस देश में कहां तक ले जाएगा, ये सोचने की बात है। इससे कितना नुकसान इस देश का हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। मित्रों, इससे वक्त रहते हमको अलर्ट होने की और चेत जाने की बहुत आवश्यकता है। इस बीमारी से जब तक हम सारे लोग मिलकर नहीं लड़ेंगे, ये बीमारी नहीं जा सकती। जैसा कि मोदी जी ने कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक आदमी दूसरे से कम 2 मीटर के दायरे में दूर रहे, 2 मीटर दूर रहे और एक दायरा बना के रहे, यही इसका एकमात्र इलाज है। 90% इस बीमारी की जो आज की तारीख में दवा है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, और 10% इसकी जो दवा है आज की तारीख में, जो इसका इलाज है, जो संभव है, वो है इसकी टेस्टिंग। धीरे 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 आप देखिए, शुरू के दिनों में कितने कम टेस्ट हुए, 15 से 20 दिनों में कुल 6,000 टेस्ट हुए, फिर 6,000 टेस्ट पर डे होने लगे, फिर 10,000 टेस्ट पर डे, आज हम 20,000-22,000 के आंकड़े पर आ गए हैं। 20 से 25,000 टेस्ट पर डे कोरोना के जो संदिग्ध हैं, जो कोरोना के जिनमें लक्षण पाए जाते हैं, उनके हो रहे हैं। और एट रेंडम भी चेकिंग अपने देश में शुरू हो चुकी है और कई लोग इससे कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। मरकज के जमात का यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जाने में अनजाने में जिस तरह मरकज के लोगों ने पूरे देश में दिल्ली से जाकर इस बीमारी को फैलाया है, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय कृत्य है। ये घोर भर्त्सना के योग्य है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मेरा आशा ये नहीं है कि ये किसी वर्ग विशेष ने किसी मानसिकता के चलते या जानकर इसको किया, मैं ये नहीं कहना चाहता। कोई भी इंसान, कोई भी जागरूक इंसान जानकर ऐसा कृत्य नहीं कर सकता, इस बात से हम सब लोग परिचित हैं। लेकिन अनजाने में आप जिस धर्म के मानने वाले हैं, उस धर्म में आपके यहाँ एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, और आपका ये कहना है कि हमारा जो खुदा है उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये बात आज के संदर्भ में
थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि खुदा किसी के लिए गलत नहीं करता, ईश्वर किसी के लिए गलत नहीं करता। लेकिन आज अगर ये बीमारी दी है तो ये हम लोगों ने जो प्राकृतिक संपदाओं का, जो प्रकृति का दोहन जिस तरीके से किया है, एक तरह से ये मानव प्रजाति को उसकी सजा के रूप में भी इसको हमें देखना चाहिए कि प्रकृति अपने आप को बैलेंस जिस तरह से करती है, ये उसके उदाहरण के रूप में भी लिया जा सकता है। अब जो हुआ सो हुआ, देखिए जो पास्ट में हो गया अब उसको ठीक है, जो हो गया बहुत अच्छा हुआ, और हमारे देश में तो बहुत ही अच्छा हुआ। WHO ने, विश्व की हर संस्था ने मोदी जी की और हमारे देश की इसमें बहुत तारीफ करी है, और जिस तरह के कदम मोदी जी ने उठाए हैं, जो साहसिक कदम मैंने पहले ही बताया, वो बहुत प्रेरणादायक और बहुत साहसिक कदम है। बहुत कम नेता इस तरह के कदम उठा सकते हैं जैसा मोदी जी ने कदम उठाया है। उन्होंने मानवीय पहलू को पहले रखते हुए, अपनी GDP को, GDP के रेट को दरकिनार करते हुए, पहले जान है तो जहान है का नारा उन्होंने दिया कि जब जान ही नहीं है तो आप क्या GDP का करोगे और क्या एक संपन्न राष्ट्र का आप करोगे। उसके बाद 2.0 से पहले उन्होंने जान भी और जहान भी, अब यहाँ से उन्होंने जो एक मंत्र दिया कि अपने को जान की भी रक्षा करनी है और इस जहान की भी रक्षा करनी है, हमें अपनी इकोनॉमी भी देखनी है, अपने लोगों को बचाना भी है। और जिस तरह से सारे लोग मिलके इस महामारी से निपट सकते हैं, निपटने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया है। ये महामंत्र है मित्रों, इसका जितना पालन हम करेंगे उतना इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है, ये आपसे दरख्वास्त है कि कृपा करके अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें, अपने थ्रू इस बीमारी को फैलाएं नहीं। आज ये जो हमारे वॉरियर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में लेकर लड़ रहे हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव रखते हुए, उनके प्रति आदर का भाव रखते हुए हम अपने घर पे ही रह के इस लड़ाई को लड़ें। देख रहे हैं दखल न्यूज़।